इस बार 2 बार हनुमान जी को स्नान कराया है माँ गंगा ने, वहां तक ऊपर तक जा चुकी है माँ गंगा, लेकिन अब पूरी तरह उतर चुकी है। अब 1 या 2 नंबर का हुआ करता था, यहाँ से वहां जाया करता था। यहाँ जहाँ आज माँ गंगा के आप दर्शन कर रहे हैं, यहाँ कैंप लगेंगे, यहाँ शौचालय बनेंगे, यहाँ जो पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया, पिछली बार जब माघ मेला मैं कवर करने आया था, मैंने तब आपको दिखाया था कि यहाँ ओम नमः शिवाय भोजनालय। जय श्री राधे श्री गोवर्धन महाराज की है। तो भक्तों, आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे माँ गंगा का विशाल मैदान है, माँ गंगा का प्रवाह देख रहे हैं आप। मैं हूँ प्रयागराज में, जहाँ इस विश्व का सबसे बड़ा सनातनी मेला लगने वाला है, जो ऐसा मेला जहाँ धार्मिक प्रवृत्ति को लेकर तमाम लोग इकट्ठे होते हैं करोड़ों की तादाद में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे चारों तरफ माँ गंगा की विशाल धारा है, विशाल मैदान है, खादर है, रेती रेत है। यहाँ आप देख रहे हैं कि मेरे सामने यहीं, यहाँ जो पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया, पिछली बार जब माघ मेला मैं कवर करने आया था, मैंने तब आपको दिखाया था कि यहाँ ओम नमः शिवाय भोजनालय, जो कि फ्री में अपने भोजन वितरण करते थे अपने भक्तों के लिए, जो भी यहाँ भक्त आ रहे हैं माँ गंगा के घाट पर, संगम पर, तो वहीं यहाँ लगा करता था। आप देख रहे हैं कि आज यहाँ कुछ नहीं है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ मिट्टी चटक रही है, ऐसे निशान है कि जैसे पानी, जैसे माँ गंगा का जल अभी अभी उतरा है। उधर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लेटे हनुमान जी का मंदिर है जो आपको दिखाई दे रहा है, यहीं तक माँ गंगा का जल। इस बार मैंने लोगों से पूछा तो यहाँ लोगों ने बताया, यहाँ के जो लोकल हैं, इस बार 2 बार हनुमान जी को स्नान कराया है माँ गंगा ने, वहां तक ऊपर तक जा चुकी है माँ गंगा, लेकिन अब पूरी तरह उतर चुकी है। आप देख रहे हैं पीपो का जो पुल बनता है, उसको पेंट वगैरह करके सुखाए जा रहे हैं। 1-2 दिन में पूरा पानी यहाँ सुखा दिया जाएगा, माँ गंगा का जल जो है सुखा दिया जाएगा, यहाँ पुल बना दिए जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2025 में मात्र 2 महीने बचे हुए हैं, और 2 महीने बाद ही महाकुंभ है, जो सनातन धर्म की जो संबंधित हैं, जो सनातन धर्म के लोग हैं, उनका सबसे बड़ा, पूरे विश्व में सबसे बड़ा मेला है, ये धार्मिक आयोजन है। यहाँ आकर श्रद्धालु यहाँ आते हैं, प्रयागराज में डुबकी लगाते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं यहाँ आकर, और गंगा यमुना की जो एक संगम है उसके नज़ारे को देखते हैं, उनकी धाराओं को देखते हैं, जो अलग अलग रंग में है, एक काली है, एक थोड़ा उनसे साफ है, तो ऐसे ही निर्मल धारा बह रही है, उसके दर्शन करते हैं। और आप पूरी चारों तरफ जहाँ भी आप देखेंगे, सिर्फ आपको भी मेले की तैयारियाँ दिखाई दे रही होंगी, और मैं मेले की तैयारियाँ ही दिखाने आपको सबसे पहले आया हूँ। आपको दिखा रहा हूँ कि देखें चारों तरफ, यहाँ जो हम देखते थे कि यहाँ पीपा वाला पुल 1 या 2 नंबर का हुआ करता था, यहाँ से वहाँ जाया करता था, यहाँ जहाँ आज माँ गंगा के आप दर्शन कर रहे हैं, यहाँ कैंप लगेंगे, यहाँ शौचालय बनेंगे, यहाँ आकर साधु संत रहेंगे। और इस सड़क में आपको दिखाऊं, ये जो सड़क है, यहाँ लोहे की जो सीट है वो पड़ेंगी। इतनी तमाम विशाल क्षेत्र जो आप देख रहे होंगे माँ गंगा का और यमुना मैया का, यहाँ 2025 में अब सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं, यहाँ मेला लगने वाला है जो महाकुंभ का है, जो 12 साल बाद लगता है। भारत में 4 स्थान है, भारत में 4 स्थान पर ये मेला लगता है जो महाकुंभ है, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज। तो इस बार जो 2025 में वो प्रयागराज में है, तैयारियों में आपको लगातार दिखाता रहूँगा। आप देख भी रहे हैं मेरे पीछे सिर्फ माँ गंगा ही गंगा दिखाई दे रही है, कैंप अभी कोई नहीं है, मात्र 2 महीने के बाद ही ये जगह, ये स्थान, ये जो माँ गंगा का जो पूरा रेतीला स्थान है, माँ गंगा का विशाल मैदान है, यहाँ पूरे कैंप ही कैंप दिखाई देंगे, और नज़ारा इतना अद्भुत होगा कि आप भी देखेंगे, विहंगम छटा होगी, आप भी उस नज़ारे के दर्शन करेंगे तो आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे।